गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर सीनी सेकेंडरी स्कूल हाचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम इंग्लिश सब्जेक्ट के क्लास 11th का जो ग्रामर है हम उसको लर्न कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका बेसिक जो ग्रामर है टेंस, उसको हमने कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ कि निश्चित रूप से ही आपको वो आप जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा। उस टेंस से ही रिलेटेड जो अभी टॉपिक मैंने लिया है, जो कि टेंस बेस्ड है, वो है आपका पैसिव वॉइस। ओके, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके जो भी कुछ बेसिक रूल थे वो पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाए थे, मैंने आपको बताया था कि इसमें हमेशा ही पैसिव में थर्ड फॉर्म का, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, जो सकर्मक क्रियाएं होती हैं, उनका पैसिव बनता है। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं तथा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। प्रीपोजिशन बाय या फिर अन्य आवश्यक प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। इसमें टेंस के परिवर्तन होते हैं और किस प्रकार से होते हैं ये भी आपको मैंने बताए थे। अभी जो बात की थी वो प्रेजेंट की थी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जब भी होगा तो आप, मैं यहाँ एक बार फिर से लिख ही देता हूँ कि जब भी आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, पिछले वीडियो में बताया था, तो आप किसका प्रयोग है, एम का प्रयोग है, आर का प्रयोग है और वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगनी ही है, पर सिंगुलर होगा तो आप इस लगा देंगे, ठीक है ना। और अगर प्लूरल होगा तो आर लगा देंगे, आई होगा तो आप एम लगा देंगे। वर्ब मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, स्क्रीन पर नहीं आ रहा था। इस प्रकार से वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। दूसरा देखा था प्रेजेंट, कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपको मैंने बताया कि एज एम आर तो लगाएंगे ही, प्लस बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। एक आपको बताया था प्रेजेंट, परफेक्ट, इसमें आप हैज या है प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव, उसके बाद बीन। कहने का तात्पर्य या तो हैज बीन या फिर हैव बीन, ठीक है ना, इसका प्रयोग करते हैं। टेंस तो आपको आते ही हैं, तो एक चीज और आपको बता दूं, थोड़ा इसको सरल करने का प्रयास करते हैं, हो सकता है कि आपको ये आसानी से समझ में आ जाए बात। कोई भी टेंस, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर, उसके चार पार्ट हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो इनडेफिनिट, दूसरा बात करूं तो कंटिन्यूअस, तीसरा बात करूं तो परफेक्ट, चौथा बात करूं तो परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है, मैं सामने प्रेजेंट लगा दूं, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये यानी चार आपके पढ़े हैं आपने, चारों ही पढ़े हैं। अब देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे आई एस आता है या फिर डिगेटिव भी आता है, ठीक है। कंटिन्यूस में क्या आएगा, इज एम आर, परफेक्ट में आएगा हैज या हैव और इसमें आता है हैज बीन या फिर हैव। अब देखो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है, कंटिन्यूस में इज एम आर के साथ फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है, परफेक्ट में हैज या हैव लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, कंटिन्यूस में हैज बीन या हैव बीन लगेगा। अब देखो कितना आसान काम, आपको ये देखना है
जब भी आपका एक्टिव वॉइस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, किस में हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट में, देख लेते हैं। जैसे वो लंच दी लेसन, अब जो कपिल लंच दी लेसन, यहाँ पे देखो लंच यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ दिया? एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। और प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो आपको क्या करना है, इसका जब भी पैसिव बनाओ तो साइक्रिया ऐसी अगले टेंस की लगा दो। देख लो, जब हम सिंपल प्रेजेंट का पैसे बनाते हैं साइक्रिया इज एम आर लगाते हैं, तो इज एम आर लगा दो कर्ता के वचन के अनुसार। समझ रहे हो ना कि जब भी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब जो है उससे अगले वाले टेंस की लगा दो, अर्थात इज एम आर। अब इज एम आर किसके अनुसार लगेगा? आपका कर्म, ऑब्जेक्ट टेक्स द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट का स्थान लेता है। तो यहां पे आपका वो नाउन है, तो क्या कर दोगे आप? दी लेसन। अब देखो ये लंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो अगले वाले टेंस की साइकिल क्या लगा दो? इज एम आर में से लेसन सिंगुलर है तो आप इजी लगाएंगे, एम और आर तो नहीं लगा सकते। अब ये तो आपको पता ही है कि कोई भी पैसिव हो आपको वर्ब की तो थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ये हो जाएगा लेंट। तो क्या लेसन इज लेंट, प्रीपोजिशन आपको पता है, बाई लगाते हैं और उसके बाद आपका जो भी नाउन है वो लिख दो तो हो जाएगा कपिल। यानी कहने का तात्पर्य है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हो तो कंटिन्यूस की साइक्रिया लगेगी, और जब भी आप परफेक्ट का पैसिव बना रहे हो तो परफेक्ट कंटिन्यूस की साइक्रिया लगेगी। इसका भी एक एग्जांपल आप देख लें, जैसे हो रजत हैज डंडी वर्क, रजत हैज डंडी वर्ग, आपका जो देखो हैज आ गया, हैज हैव परफेक्ट में आता है तो अगले वाले टेंस की साइक्रिया लगा देंगे। द वर्क आपका ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट कर दिया। वर्क भी आपका सिंगुलर है तो क्या लगा दोगे? हैज बीन, क्या लगा दोगे? तो क्या द वर्क हैज बीन डन थर्ड फॉर्म ही है, क्योंकि परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, और आप पैसे में भी थर्ड लगा दे वही लग जाएगी। द वर्क हैज बीन डन बाय, समझ रहे हो? मैंने आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट, देखो यहाँ पे जब आपको बताया मैंने प्रेजेंट के तो तीन ही बताए ना, सिंपल प्रेजेंट को इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसमें, प्रेजेंट परफेक्ट इसमें, और यहाँ पे मैंने आपको दो समझा दिए आसान तरीके से कि प्रेजेंट इंडेफिनिट तो साइक्रिया कंटिन्यूअस की, और प्रेजेंट परफेक्ट तो साइक्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और इसका आपका पैसे बनता नहीं है जो आगे जाना पड़े। अब बात किसकी रह गई? केवल इसकी रह गई, इसकी रह गई। तो इसको भी समझ लो कि जब भी कभी कंटिन्यूअस आ जाए, देख लेते हैं, गोपाल इज रीडिंग लेसन, गोपाल इज रीडिंग लेसन, देख लो इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो अब देखो इसको बदलोगे तो इसकी साइक्रिया, इसको बदलोगे इसकी साइक्रिया, लेकिन जब इसको बदलेंगे तो साइक्रिया तो इसी टेंस की रहेगी, साथ में बींग जोड़ दो। देख लो इज एम आर लगी है, साथ में क्या जोड़ दिया? बींग। किसके अनुसार आएगा बेटा? लेसन के अनुसार। तो देखो यहाँ पे सिंगुलर है तो इज, इज बीइंग होगा, एम बीइंग होगा, आर बीइंग होगा, रीड की थर्ड फॉर्म कर दो यहाँ, रीड प्रीपोजिशन बाय गोपाल, लेसन इज बीइंग रीड बाय गोपाल। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, आपको याद करना है तो इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो साइक्रिया आप इज एम आर लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो इज एम आर के साथ बींग भी लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो उससे अगला जो टेंस है हैज बीन, हैव बीन उसकी लगा देंगे साइक्रिया, एकवचन में हैज बीन और बहुवचन में हैव बीन का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, और भी इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, पहले आप इसका एक स्क्रीन शॉट ले लें उसके बाद हम इसके कुछ और भी उदाहरण देखते हैं। देखें इसके कुछ एग्जांपल्स, देखें डू नॉट प्ले
not. Doing the work. You have not taught me. या के सेंटेंस है, तीनों के मैंने सब प्रेजेंट की ले है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी है और प्रेजेंट परफेक्ट भी है, ठीक है ना। इनको किस प्रकार से करना है आपको ये भी बता दें कि जब आप पैसिव का अध्ययन करेंगे, एक्टिव से पैसिव का, तो आप तीन प्रकार के सेंटेंसेस का अध्ययन करते हैं। एक तो आप असर्टिव सेंटेंसेस को देखते हैं, ठीक है ना। असर्टिव में दोनों ही आते हैं, आपके अफर्मेटिव भी आता है और ये नेगेटिव भी आता है, इनको आप देखेंगे। इसमें आप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं और देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंसेस को। अभी हम देख रहे हैं वो आपके असर्टिव सेंटेंसेस हैं। वी डू नॉट प्ले हॉकी। हमें सबसे पहले देखो, सबसे पहला कार्य किसी भी एक्टिव सेंटेंस को पैसिव बनाने का ये है, आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वाक्य में कर्ता क्या है और वाक्य में कर्म क्या है। तो यहाँ पे आपका जो कर्म है वो क्या है, हॉकी। अब देखना है दूसरा कार्य आपका क्या है। एक ये हो गया, दूसरा कार्य है आइडेंटिफाई दी टेंस और दी सेंटेंस, कि जो भी सेंटेंस है उसके टेंस को आइडेंटिफाई करना। आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा, डू नॉट आ गया है, डू और डस तो आपका सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आता है, और आपको पता है कि जब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाओगे तो साइक्रिया इज एम आर लगाओगे, तो हॉकी के अनुसार क्या लग जाएगा, इज नॉट है तो नॉट लगाना ही पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी ही पड़ेगी, मैंने कह दिया था। प्रीपोजिशन वाई लगता है और वी को आप किस में बदलेंगे, आप देख सकते हैं मैंने चार्ट बनवाया था पिछले वीडियो में, वाई वी को कर देंगे आप अस में, तो हो जाएगा हॉकी इज नॉट प्लेड बाय अस। ऊपर सेंटेंस था कि वी डू नॉट प्ले हॉकी यानी हम हॉकी नहीं खेलते हैं, और नीचे सेंटेंस है हॉकी इज नॉट प्लेड बाय अस, कि हॉकी हमारे द्वारा नहीं खेली जाती है। ओके, दे आर नॉट डूइंग दी वर्क। तो सबसे पहला काम है आप आइडेंटिफाई करें कि ऑब्जेक्ट आपका क्या है, दी वर्क है, दी वर्क। आर नॉट डूइंग इज एम आर के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और आपको बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब भी पैसिव बनाओगे तो साइक्रिया तो उसी टेंस की लगाओगे, वर्क आपका सिंगुलर है तो इज लगा दो, उसके बाद नॉट लगा दो, साइक्रिया तो उसी टेंस की लगाओगे, साथ में बीइंग जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, बीइंग, तो मतलब इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होगा, लेकिन नकारात्मक होगा तो दोनों के बीच में नॉट लगेगा। आपको बताया था टेंस जब पढ़ रही थी कि दो साइक्रियां आती थी तो नॉट का प्रयोग दोनों के बीच में तो हो जाएगा, इज नॉट बीइंग, वर्ब है डू, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी बच्चों, डन, प्रीपोजिशन बाई, और दे का कर्म क्या होगा आप देख सकते हैं आपका जो चार्ट बना हुआ था क्या होगा, तो द वर्क इज नॉट बीइंग डन बाय देम, ठीक है ना। अगला सेंटेंस है यू हैव नॉट टॉट मी, तो मी का क्या कर दोगे देख सकते हो, सबसे चार्ट में सबसे ऊपर ही बना होगा, मी का क्या है देखो, सब्जेक्ट आपका, आप सब्जेक्ट बनाओगे, इसको आई हो गया, हैव नॉट यानी हैज या हैव के साथ वर्क की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में, और जब भी आपको हैज या हैव या हैड आगे भी पढ़ोगे, हैज या हैड कुछ भी मिले तो आपको ये ध्यान रखना उनके साथ बीन और जोड़ दो, हैज हैज बीन हैव बीन हो जाएगा, हैड बीन हो जाएगा, आई के साथ क्या लग जाएगा है, लेकिन नॉट का प्रयोग दोनों के बीच में कर दो बस, हैज बीन का हैज बीन हैव बीन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बनाओगे तो हैज बीन हैव बीन होगा, लेकिन नॉट का प्रयोग दोनों के बीच में कर दिया तो हो गया आई हैव नॉट बीन। मैंने कहा परफेक्ट में अभी थर्ड फॉर्म ही होती है वो लिख दी, तो आई हैव नॉट बीन टॉट, प्रीपोजिशन है बाई, और यू का कर्म क्या है, यू ही है। आई एम नॉट टेकिंग टी, तो यहां पे देखो कर्म आपका क्या है बच्चों, टी टी, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो यहां पे क्या लग जाएगा, इज, प्रेजेंट कंटिन्यूस में सक्रिय उसी टेंस की रहेगी लेकिन टी के अनुसार इज लग जाएगा,
और इज एम आर के साथ क्या जोड़ देते हैं, बीइंग, तो हो जाएगा टी इज नॉट बीइंग, टेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, टेकन बाय मी। तो ये आपके सेंटेंस जो थे, ये असर्टिव सेंटेंस आपके जो सिंपल प्रेजेंट के, सॉरी सिंपल प्रेजेंट के, प्रेजेंट कंटिन्यूस के, प्रेजेंट परफेक्ट के, अर्थात जो प्रेजेंट के जितने भी आपके चेंज होते हैं टेंस में, वो सभी आपने इसमें देखे हैं। अगले वीडियो में हम पास्ट के और आगे जो फ्यूचर है उनके भी देखेंगे। तब तक के लिए आप इस चार्ट को याद करते रहें, कुछ एक्सरसाइज करते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।